शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिले जिक्र चीज न था। हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। यकीनन हम ही ने उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब खा शुक्रगुजार हो खा ना शुक्रा, बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब पियेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश है। ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पियेंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे। ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखती हैं, और बावजूद के उनको खुद खाने की चाहत होती है मगर फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं और न शुक्रगुजारी। हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को बिगाड़ने वाला और बड़ी सख्ती वाला होगा। चुनाचे अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशी इनायत फरमाएगा और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अदा करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ मकबूल हुई। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान बतदरीज नाजिल किया है, तो अपने परवरदिगार के फैसले के लिए इंतजार किए रहो और उन लोगों में से किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहा न मानना। और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और कयामत के भारी दिन को पसे पुष्ट छोड़े देती हैं। हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है।